बीते रोज़ सिद्धू मूसेवाला के कातलों दी कुछ तस्वीरां सामने आईयां सी, जिस तो बाद अज सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का दर्द मुड़ तो छल गया। उन्होंने मांग की है कि मामले की डूंघाई नाल जांच की जाए तो असल साजिशकारां का पता चल सकता है। दस दईए कि बीते रोज़ कुछ तस्वीरां सामने आईयां सी जिन्हां विच सिद्धू मूसेवाला के कातल उत्तर प्रदेश के अयोध्या और लखनऊ विच उन्हां दे रहन दौरान दीयां तस्वीरां सामने आईयां सी, जिस तो बाद हुण सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने कहा है कि इस मामले की डूंघाई नाल जांच होनी चाहिए है। वो पहले दिन तो ही कह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला दे कतल पिछे सियासतदाना अते संगीत जगत नाल जुड़ियां हस्तियां की शमूलियत हो सकती है। इस दे नाल ही उन्होंने भी कहा है कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं हुंदा, ओह धर्म की आड़ विच अपने गुनाह करन तो भी पिछे नहीं हटते। तो दूजे पासे उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने NIA ते पूरा भरोसा है, NIA की जांच सही दिशा वल जा रही है। बीते रोज़ जिहड़ियां तस्वीरां आईयां ने उस तो साफ है कि इन्हां नूं किसी ना किसी सियासी आगू की शह मिली हुई सी। दस दईए कि बीते रोज़ कुछ तस्वीरां सामने आईयां सी, उस विच उह सारे गुनाहगार शामिल ने जिन्हां ने सिद्धू मूसेवाला के कतलकांड नूं अंजाम दिता है। इन्हां विच सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई भी है, जिसनों दिल्ली पुलिस का स्पैशल सैल अजरबैजान तो डिपोर्ट करवा के इत्थे लेके आया, एक्सट्राडाइट करवा के लेके आया, तो उसनू हिरासत में लैके उस तो पूछगिछ की जा रही है। दस दईए कि 29 मई 2022 नू सिद्धू मूसेवाला का उस समय कतल कर दिया गया सी जो वह अपने घर तो पिंड जवाहर के वल जा रहे सन। इत्थे ही लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर पहुँचे शूटर ने सिद्धू मूसेवाला घेर के गोलियां मार के उसका कतल कर दिया सी। कल कुछ जो तस्वीरां सामने आईयां मीडिया में सामने आईयां, उस तो बाद एक बार फिर यह मामला भख गया। सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने मांग की है कि इस पूरे मामले की डूंघाई नाल जांच होनी चाहिए है। तो दूजे पासे उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने NIA की जांच से पूरा भरोसा है, NIA की जांच सही दिशा वल जा रही है। सिद्धू मूसेवाला के पिता का यह भी कहना है कि संगीत जगत और सियासत नाल जुड़िया वड्डिया हस्तियां इस कतल पिछे हो सकती हैं, उन्होंने बेनकाब किया जाना चाहिए। होर की कुछ किया सिद्धू मूसेवाला के पिता ने, आओ सुनते हैं। हाँ, मैं भी कल सोशल मीडिया के जरिए मैं पता लगे बेटा इस गल का, तो फोटो की बारे तो जड़िया गल कल चल रही ने, आप पहले दिन तो ये गल कह रहे हैं भी यह जी वजह है। देखो साढ़े दो ही फील्ड से, पॉलिटिक्स का सी जा सिंगिंग का सी, दोनों फील्डा चो ही किसी ने साजता रची है ना। असं तो उदन की गल कर रहे, परंतु सरकार जी है वह गैंगवार तो पासे जाने नहीं चाहती, तो जे इस गल की गंभीरता दे नाल जी पड़ताल की जाए तो सच अपने आप सामने आ जाना। हम अपने आप ही गल उधर ज्यादा रही है, तो जे कोशिश कर मैं दुध का दुध पानी का पानी सामने आ जूगा सर। देखो हूँ ये तो पुलिस दस सकती है भी उधर चो कुछ निकलिया ज नहीं निकलिया है ना, तो जनू दुबारे बुलाएंगे ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਵੈਪਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। NIA ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, NIA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦਾ